कन्या राशि वालों नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आज शाम के 4:40 के बाद आप सभी के जीवन काल में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जी हां दोस्तों, हमें बताते हुए यह बात बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि अब आप सभी के जीवन में भी खुशी का वह पल आने वाला है जिसके लिए आप पिछले कई समय से लगातार मेहनत करते आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, और हमने आपकी कुंडली का विश्लेषण हर घड़ी किया है, इसलिए हमें हर एक बात पता है कि आप पिछले समय कितना ज्यादा मेहनत और संघर्ष का सामना किए हैं। जी हां दोस्तों, मेहनत करने में आप कभी पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन दोस्तों, जब मेहनत का सही परिणाम आप सभी को प्राप्त नहीं होता है तब आप सभी का दिल टूटता है। और दोस्तों, अब आपका मेहनत का, अब आपकी संघर्ष का परिणाम आप सभी को मिलने वाला है, और इतना अच्छा मिलने वाला है जो अपने सपने में नहीं सोचा था। इसी बात के लिए हमें खुशी हो रही है कि अब आप सभी का जीवन पहले से 1000 गुना ज्यादा अच्छा होने वाला है। दोस्तों, अब आप भी अपने घर और परिवार में बैठकर खुशी से समय बिताएंगे, क्योंकि समय और ग्रह गोचर दोनों आपके पक्ष में होने वाला है। दोस्तों, वह कहते हैं समय और ग्रह गोचर का भी एक जैसा नहीं रहता है, वह समय के साथ बदलता रहता है, कभी अच्छा रहता है कभी बुरा रहता है। लेकिन जो लोग बुरे समय में धैर्य और सावधानी का साथ लेते हैं वह इंसान जीवन में कभी भी असफल नहीं होते हैं। तो दोस्तों, अब आपका धैर्य का बांध भर चुका है, अब आपको मेहनत का फल मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आपको छुप छुप कर एक शक्ति संकेत दे रहा है। यह शक्ति आपको आपके अच्छे कर्मों का फल देने वाला है, जिससे आपका विश्वास इस शक्ति के ऊपर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, अपने इस शक्ति के ऊपर पूरा भरोसा किया है, पूरा विश्वास दिखाया है और अपने कार्यों में भी डटकर कार्य किए हैं। इस बीच आप सुबह के जीवन में बहुत सारी परेशानी आया, बहुत सारा मुसीबत आपके जीवन में आया है, बहुत सारे आपके अपने ही लोग शत्रु बनकर सामने आए हैं, बहुत लोगों ने आपको नुकसान पहुंचा है, और कोई लोग ऐसे हैं जो आपके मुंह पर अच्छे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रास्ते हैं। यहां से मैं आपको वह बात पता चल गया कि अच्छा होने में और अच्छा बनने में क्या फर्क होता है। जी हां दोस्तों, वह कहते हैं ना कि जो चीज हमें नहीं पता होता वह चीज समय दिखा देता है, लेकिन इतना मुसीबत और इतना संघर्ष होने के बावजूद भी आपने हिम्मत नहीं हारा है, अपने साहस के साथ हर मुसीबत का सामना किया है और भगवान पर भरोसा किया है। यही कारण है यह शक्ति आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान हो चुकी है, आपके दुखों को देखकर यह शक्ति खुद रो पड़ा है। जी हां दोस्तों, अब आप सभी के जीवन में मुसीबत के बादल हटने वाले हैं और खुशियों की बारिश होने वाली है। अब पूरे गांव और मोहल्ले के लोग आपकी तरक्की और कामयाबी को देखकर बिल्कुल ही हैरान हो जाएंगे। अब आपके सामने वह लोग भी आएंगे जो लोग आपको नीचा दिखाए हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि यह शक्ति सभी के ऊपर भारी पड़ने वाला है, यह शक्ति अब आप सभी के शत्रु का घमंड चूर चूर कर देने वाला है। जी हां दोस्तों, और आप आपके जीवन की वह सपने सच कर देंगे। इसके लिए आप पिछले कई समय से मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, यह समाचार क्षेत्र से आपको बड़ा धन लाभ होने वाला है, और सारी बात हम आपको आज के इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। बस हम आपसे बस इतना विनती करते हैं कि आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में से थोड़ा से समय निकालकर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा। माता रानी का आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। यह शक्ति तुम्हारा भविष्य लिख रही है। आपने बिल्कुल सही सुना, अब आपका इस तरह से भाग्य बदलेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, कहते हैं सबका समय एक ना एक दिन जरूर बदलता है, तो प्यारे दोस्तों, अब आपका भी वह समय आ गया। प्यारे दोस्तों, एक ऐसी शक्ति है जो आपके दुखों को देखकर स्वयं दुखी हो गई है, जिसकी वजह से अब वह आपका भविष्य ही बदलने वाली है, क्योंकि अब तक तो आप बाद ही परेशान चल रहे थे और आपका जो पिछला जीवन काल रहा है इनमें आप बहुत ही ज्यादा संघर्ष किए हैं,
बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, लेकिन अब आपका जो भविष्य होने वाला है वह आप समझ लीजिए कि आपका स्वर्ग का दरवाजा खुलने वाला है। जिस प्रकार एक राजा की जिंदगी होती है ठीक उसी प्रकार अब आपकी भी जीवन होने वाली है। तो अब तक तो आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा संघर्ष किए हैं, बहुत ही ज्यादा दुख झेला है, तब जाकर आपको कोई ऐसी खुशी मिल पाई है जिम, आप खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई ना कोई कमियां जरूर हैं। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि अब आपके भाग्य का बड़ा खेल शुरू होने वाला है जिनमें आपका पूरा भविष्य बदलने वाला है। प्यारे दोस्तों, जिसकी लोग ख्वाहिश रखते हैं वह ख्वाहिश अब आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि अपने प्यारे दोस्तों पिछले समय में कोई बहुत ही अच्छा कर्म किया होगा जिसका फल आपको मिल रहा है। प्यारे दोस्तों, अब तक तो आप छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा तरसे हैं, अपने जीवन में खुशियों को पाने के लिए अपने दिन रात मेहनत भी किया है, लेकिन आप मेहनत का वह परिणाम नहीं मिल पाता है जिसके आप असली हकदार हैं। अब प्यारे दोस्तों, आपका यह जो समय है इनमें आप घर घर जाकर मिठाइयां बांटेंगे, क्योंकि खुशी ही इतनी बड़ी होने वाली है। और आपको बता दें, जो खुशी आपको मिल रही है उसे देखकर आपसे लोग और भी ज्यादा जल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अब आपके भी होश उठ जाएंगे, क्योंकि आपने तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि आपका नसीब में भी इतना बड़ा खुशी लिखा है। खुशी का ऐसा भयंकर झटका लगेगा कि प्यारे दोस्तों आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। अब तक आपके जीवन में जलने वालों की संख्या थोड़ी कम थी, लेकिन अब दोगुनी होने वाली है। इसे आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह जो शक्ति है वह आपके जीवन को हर हाल में बदल कर रहेगी। प्यारे दोस्तों, अभी कुछ दिनों से आपके जीवन में अचानक से कुछ ऐसी बड़ी परेशानियां खड़ी हैं जिनका रास्ता आपको साफ नहीं नजर आ रहा है कि उसे निकाला कैसे जाए। आपको अपने आसपास के लोगों के ऊपर थोड़ा भी भरोसा अब नहीं बचा है। अब आपको यह एहसास हो चुका है कि लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी के भी भावनाओं के साथ खेल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब आपका यह जो समय है वह आपके जीवन में इतना आगे लेकर जाएगा कि आप सूर्य के जैसे चमक उठेंगे। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में ऐसा बड़ा खुशियों का हाहाकार बचेगा कि आपकी खुशियां चारों तरफ बिखर घर जाएंगी, घर परिवार खुशी में नाचेगा। प्यारे दोस्तों, आपका भविष्य में अब क्या होने वाला है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, बात ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि सभी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। यह हर एक के नसीब में नहीं होता है। चार ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें विशेष करके बदलाव होगा। प्यारे दोस्तों, अब आपकी किस्मत ही बदल गई, आपके जीवन से जुड़ी वह तमाम खुशियां आपको मिलेगी। इसके लिए आप अब तक बहुत ही तड़प रहे थे। जी हां प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आपका आने वाला यह जो समय है आपके लिए बहुत ही उज्ज्वल है। प्यारे दोस्तों, यही वह समय है जिनमें आपकी जिंदगी को एक नई दिशा मिलने वाली है। प्यारे दोस्तों, इतने खास और महत्वपूर्ण समय में आपको कुछ विशेष बातों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होगा। कुछ ऐसी सावधानियां आपको रखनी होगी जो आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में जाने अनजाने में किए गए गलतियां हमें बड़ी सजा देती हैं, और इसे हम समझ भी नहीं पाते हैं, एहसास तक नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, जिसे बाद में हमें सजा भुगतना पड़ता है और फिर हम किस्मत को कोसते हैं। प्यारे दोस्तों, लेकिन ज्योतिष कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले, वह सब कुछ जानने से पहले, जो भी देवों के देव महादेव और मां काली के सच्चे भक्त इस ज्योतिष कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो ज्योतिष कार्यक्रम को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय मां काली हर हर महादेव जरूर लिखिए। प्यारे दोस्तों, मां काली और देवों के देव महादेव की कृपा सदा ही आपके ऊपर और परिवार के ऊपर बनी रहेगी, तो आप जरूर लिखिए। प्यारे दोस्तों, अब जो होने वाला है आपके भविष्य में उसे देखकर आप भी यही कहेंगे कि धन है प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपके भाग्य का ऐसा खेल अब शुरू होने वाला है जिसमें आप चाहकर भी कुछ नहीं बदल पाएंगे। प्यारे दोस्तों, पहले जो क्षेत्र होने वाला है वह है पारिवारिक जीवन का। प्यारे दोस्तों, पारिवारिक जीवन में यदि कोई बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, या फिर कोई वाद विवाद चल रहा है, या संतान प्राप्ति से जुड़ी दंपतियों को परेशानी है,
इससे जुड़ा आपको कोई बहुत ही बेहतरीन खबर मिलेगा जो आपकी खुशियों में चार चांद लगाएगी। प्यारे दोस्तों, अब तक का आपका किया गया हर एक पारिवारिक जीवन की समस्याओं को समाप्त करने की कोशिश से अब सफल होगी। प्यारे दोस्तों, अब दूसरे क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, दूसरा जो क्षेत्र रहने वाला है वह है प्यारे दोस्तों विद्यार्थियों का, जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ली हैं उन लोगों का। अब आप अपने भविष्य में काफी ज्यादा कामयाबी हासिल करेंगे। अब लोगों में आपकी गलत पहचान बनेगी, लोग आपकी तरफ स्वयं झुक कर आएंगे। जो लोग आपको भला बुरा बोलते थे या फिर आपको अपने से कमजोर समझते थे, आपके मित्र आपको नीचा दिखाते थे, तो प्यारे दोस्तों उनकी बोलती बंद होगी, आपका भविष्य अब इतना उज्जवल होगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं आपके तीसरे क्षेत्र के बारे में। प्यारे दोस्तों, तीसरा क्षेत्र जो रहने वाला है वह है प्रेम संबंध का। जी हां प्यारे दोस्तों, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं और लंबे समय से अपने माता पिता को मनाना चाहते हैं, तो अब आपके माता पिता भी आपके प्रेम विवाह को मंजूरी देंगे। आपको शायद बहुत ही मेहनत करना पड़ा है अपने प्रेम विवाह के लिए, मनाने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि आपके लिए बहुत ही खुशियां भरा दिन यह रहने वाला है। जो लोग किसी से प्रेम करते हैं और उन्हें अब तक अपने दिल की बातों को नहीं बताए हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, तो आपको निश्चित हो जाना चाहिए। अब आप उन्हें खुलकर अपने दिल की बातों को बता दें, नहीं तो आपके हाथ बाद में सिर्फ दुख ही रह जाएगा। ऐसे मामलों में देरी ना करें। प्यारे दोस्तों, आखिरी और चौथा जो क्षेत्र होने वाला है वह है मां की इच्छा पूरी होने वाली है। जी हां प्यारे दोस्तों, इस दौरान यदि बहुत ही लंबे समय से किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा रख रहे थे, आपके जीवन में कोई ना कोई बाधा आ रही थी जिसके कारण आप उसे चीज को नहीं हासिल कर पा रहे थे, जैसे कि वाहन खरीदने की इच्छा, जमीन जायदाद खरीदने की इच्छा, या पढ़ाई के लिए घर से दूसरे शहर जाने की इच्छा, या अपने सुख सुविधाओं की वस्तुओं की खरीदारी की कोई इच्छा, नए वस्त्र की इच्छा, तमाम तरह की यदि किसी भी प्रकार की आपकी इच्छाएं थीं जो अब तक अधूरी है, बस आप उसे दिन का इंतजार कर रहे हैं कब आपकी इच्छा पूरी हो। तो प्यारे दोस्तों, अब आपको खुश होना चाहिए क्योंकि अभी अच्छा आपकी पूरी होगी और इसमें कोई भी बात है नहीं आने वाली है। अब तक आप अपने जीवन में बहुत ही रोए हैं, हर एक चीज के लिए बहुत ही तड़पते हैं। उसी के साथ इस दौरान अंतरिक्ष में ग्रहों की चाल में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं जो आपके जीवन में भी बदलाव लेकर आया है। प्यारे दोस्तों, जब भी कोई भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो आपको बता दें कि उसका असर हर एक राशियों के ऊपर पड़ता है। इसके उपरांत ग्रहों में युवराज कहे जाने वाले बुध ग्रह आज की प्रातः 6:45 पर वृश्चिक राशि की यात्रा समाप्त करके धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस राशि पर यह 28 नवंबर की प्रातः 5:10 तक गोचर करेंगे, उसके बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इनके राशि परिवर्तन से वाणिज्य न्याय के क्षेत्र, बैंकिंग के सेक्टर्स तथा युवाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इनके राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव रहेगा? नवम भाग्य भाव में गोचर करते हुए बुध बेहतरीन सफलता दिलाएंगे, भाग्य उन्नति तो होगी ही, धर्म और अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी वर्ग विदेशों में पढ़ाई करने के लिए जाने का प्रयास करना चाह रहे हो तो बेहतरीन सफलता के योग संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। नव दंपत्ति के लिए संतान प्राप्ति एवं प्रादुर्भाव के भी योग परिवार में मांगलिक कार्यों का ऐसा अवसर आएगा। किसी नए मेहमान के आगमन से माहौल खुशनुमा रहेगा, भाइयों में आपसी तालमेल बढ़ेगा। राशि से अष्टम आयु भाव में गोचर करते हुए बुध स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे, चर्म रोग तथा दवाओं के रिएक्शन से सावधान रहना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में भी षड्यंत्र का शिकार होने से बचे बेहतर रहेगा। कार्य संपन्न करें और सीधे घर आएं। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का पटा होगा। विद्यार्थियों एवं प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए और प्रयास करने होंगे। अपनी जिद और आवेश को नियंत्रित रखते हुए कार्य करेंगे तो अधिक सफल रहेंगे। राशि से सप्तम दाम्पत्य भाव में गोचर करते हुए बुध हर तरह से सफलता दिलाने वाले सिद्ध होंगे। कार्य व्यापार में उन्नति तो होगी ही, किसी भी तरह के नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाह रहे हो
तो भी ग्रह गोचर अनुकूल रहे, किंतु इस अवधि के मध्य साझा व्यापार करने से बचे। विवाह संबंधी वार्ता सफल रहेगी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। ससुराल पक्ष से भी सहयोग के योग, किसी भी तरह के सरकारी टेंडर के लिए आवेदन करना चाह रहे हो तो भी ग्रह फल अनुकूल रहेगा। राशि पंचम, विद्या भाव में गोचर करते हुए बुद्ध विद्यार्थियों एवं प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए वरदान की तरह है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, प्रेम संबंधी मामलों में प्रगाढ़ता आएगी। यहां तक कि प्रेम विवाह भी करना चाह रहे हो तो अवसर अनुकूल रहेगा, शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों तथा बड़े भाइयों से भी सहयोग के योग, कोई भी बड़े से बड़ा कार्य अथवा व्यापार आरंभ करना हो तो भी पूर्ण सफलता मिलेगी। मित्रों तथा संबंधियों से सुखद समाचार प्राप्ति के योग, जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का निपटारा होगा। वाहन का क्रय करना चाह रहे हो तो भी अवसर अनुकूल रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहे, किसी भी तरह की सरकारी सर्विस के लिए आवेदन करना हो अथवा किसी नए टेंडर के लिए आवेदन करना हो तो उस दृष्टि से भी सफलता के योग, धन भाव में गोचर करते हुए बुध का प्रभाव खट्टे मीठे अनुभव का सामना करवाएगा। गुप्त शत्रुओं की अधिकता रहेगी और वे आपको नीचा दिखाने का एक भी अवसर जाने नहीं देंगे। कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र का शिकार होने से बचे कोर्ट कचहरी के मामले बाहर ही सुलझाएं। स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा, दवाओं के रिएक्शन से बचे जमीन जायदाद से जुड़े मामले हल होंगे। इन सबके बावजूद आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रुका हुआ धन भी वापस मिलने की उम्मीद है। प्रभाव वृद्धि तो होगी ही, लिए गए निर्णय और किए गए कार्यों की सराहना भी होगी। सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, चुनाव से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हो तो भी ग्रह गोचर अनुकूल रहेगा। विवाह संबंधी वार्ता सफल रहेगी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। इस अवधि के मध्य साझा व्यापार करने से बचे, कोई भी कार्य जब तक पूर्ण न हो जाए उसे सार्वजनिक न करें। बुध बेहतरीन सफलता दिलाएंगे, आय के साधन तो बढ़ेंगे ही, परिवार के वरिष्ठ सदस्यों तथा बड़े भाइयों से भी सहयोग मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता मिलेगी, संतान संबंधी चिंता दूर होगी। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति एवं प्रादुर्भाव के भी योग केंद्र अथवा राज्य सरकार विभागों में भी इस राष्ट्र के लोगों को करियर पर ही फोकस करते हुए उसे चमकाने की दिशा में सार्थक प्रयास करना होगा। कारोबार के लिए लिया गया पुराना कर्ज परेशानी भी खड़ी कर सकता है, इसलिए अच्छा होगा कि उस कर्ज को खत्म करने की प्लानिंग करें। युवा जो भी कार्य करें उसे फुल हार्टेड होकर ही करना चाहिए, तभी तो उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता मिल सकेगी। परिवार के सदस्यों के साथ भजन व उपासना करें, सबके साथ मिलकर की गई उपासना आपको मानसिक रूप से बल प्रदान करेगी। सिर दर्द को लेकर परेशान हो सकते हैं, सामान्य दर्द होने पर आंख बंद कर कुछ देर आराम करें। युवा वर्ग, यदि अपने प्रेम संबंध की बात घर वालों से करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर और आहिस्ता से बात करें, अन्यथा बात बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। अपनी उम्र के लोगों को समय तो देते ही हैं, लेकिन घर के छोटे सदस्यों के साथ भी वक्त बिताने का प्रयास करें। युवा वर्ग, यदि अपने प्रेम संबंध की बात घर वालों से करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर और आहिस्ता से बात करें, अन्यथा बात बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। अपनी उम्र के लोगों को समय तो देते ही है, लेकिन घर के छोटे सदस्यों के साथ भी वक्त बिताने का प्रयास करें। प्रेमियों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लव लाइफ में प्यार बढ़ेगा। आपका पार्टनर आपके लिए कुछ गिफ्ट ला सकता है, पार्टनर से लंबे समय बाद मुलाकात होगी, लेकिन ध्यान दें, कोई तीसरा व्यक्ति आपके प्रेम संबंधों में परेशानी पैदा कर सकता है, जिसके चलते प्रेम संबंधों के मामले में आपको बहुत अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे। प्रेम संबंधों में तकरार रहेगी। शादीशुदा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। शादीशुदा लोग पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे, लेकिन आप अपने जीवन साथी की नौकरी को लेकर चिंतित हो सकते हैं, अपने वैवाहिक जीवन का आनंद उठाएंगे। शादीशुदा जातकों का दाम्पत्य जीवन प्रेम से भरपूर रहेगा, आपका जीवन साथी आपकी ताकत बनेगा। एहसास, इस समय आपको यह एहसास हो सकता है कि आपका जीवन साथी आपके लिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, जिसे आप अपना कह सकते हैं।
यही वह एक व्यक्ति है जिसे आप अपने दिल की हर एक बातों को बता सकते हैं और इसके चलते आप उन पर खूब अपना प्रेम लूटेंगे। आपके तरफ भी आपके व्यवहार को देखकर, आपके अंदर रोमांस को देखकर आपका जीवन साथी आपकी तरफ और भी ज्यादा आकर्षित होगा। जो दंपत्ति संतान की इच्छा रख रहे हैं उनकी इच्छा भगवान जल्दी पूरी करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आप नए साल में कहीं बाहर घूमने जाने का कोई प्रोग्राम बनाते हुए नजर आएंगे, जो योजना आपकी सफल होगी। प्यारे दोस्तों, यदि बात की जाए सावधानियां की, तो सावधानियां में आपको वहां चलते समय ध्यान रखना होगा। आप ट्रैफिक नियम का पालन करें, क्योंकि संभव है कि आपका वहां के चलते ट्रैफिक नियम का पालन न करते हुए कोई बड़ा चालान कट जाए, जिससे बड़ा नुकसान आपको हो और इसके चलते आपका मूड खराब हो जाए और कोई दुर्घटना भी होने से आप बच सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें कि इस समय यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो अनजान व्यक्ति से सावधान रहें। किसी भी अनजान व्यक्ति के ऊपर भरोसा ना करें। कोई भी व्यक्ति यदि आपको कुछ खाने पीने की चीज देता है तो आप साफ इनकार कर दें। और इसी के साथ आप अपने हर कीमती वस्तुओं की बहुत ही सावधानी से देखरेख करें। इस समय आपके घर पर किसी खास वजह से कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, या फिर आपको विवाह शादी के साल ग्रह या जन्मदिन जैसे और सर पर निमंत्रण मिल सकता है, जहां पर आपको कुछ परिचित लोगों से भेंट मुलाकात लंबे समय के बाद होगा। प्यारे दोस्तों, यह जो समय है, इस समय आप अपने लिए कुछ खास वास्तु की खरीदारी कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जो लोग नया वाहन, दुकान, मकान, सोना चांदी या मोबाइल या वस्त्र खरीदने की योजना बना रखे थे, तो अब आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। प्यारे दोस्तों, आप अपने ऊपर कुछ खास धन खर्च भी कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस समय आपका कोई सोचा हुआ काम पूरा होते नजर आएगा। प्यारे दोस्तों, यदि इस समय आपके जीवन में कोई ऐसा कार्य है जिनमें बढ़ाएं आ गई हैं, कोई ऐसा कार्य जो बनते बनते बिगड़ गया है, तो उनमें अब आपको एक सही रास्ता नजर आएगा, आपको उनमें से सफलता मिलेगी। इसे आपको अब बेचिंतित हो जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपका यह जो समय है वह आपके लिए काफी शानदार भी साबित हो सकता है। प्यारे दोस्तों, यदि संभव हो तो आप किसी भी मंदिर में जाकर, जी भी देवी देवता क्या भक्त हैं, उनके दर्शन जरूर कर लें, या फिर अपने घर के मंदिर में ही उनके दर्शन करें, तो आप पर सदा ही उनके कृपा बने रहेंगे। प्यारे दोस्तों, यदि आपके घर में किसी बात को लेकर कोई तनाव चल रहा है, तो वह तनाव अब जल्द ही समाप्त हो जाएगा। यदि जमीन जायदाद से जुड़ा कोई मामला है, तो वह मामला भी अब जल्द ही निपट जाएगा। यदि आपका जॉइंट फैमिली है, यानी कि घर परिवार में बहुत सारे लोग हैं, तो वहां पर कुछ तकरार की स्थिति बनेगी, जहां पर बातें आगे चलकर बंटवारे पर भी आएंगे। प्यारे दोस्तों, इसके साथ आपको बता दें, इस समय आपके ऊपर आलस की भावना भी छाई रहेगी। आपको ज्यादा नींद आ सकती है, या फिर आपका थकावट से भरा शरीर महसूस हो सकता है। प्यारे दोस्तों, आपको अपने खान पान पर भी ध्यान देना होगा। अचानक आपका किसी पुराने मित्र से फोन पर बातचीत हो सकता है, जो कि बहुत ही लंबे समय के बाद होने वाला है। प्यारे दोस्तों, किसी अतिथि के आगमन की सूचना आपको मिल सकती है, जिसके वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कहीं ना कहीं खुशी भी होगी। यदि आपके मन में किसी बात को लेकर डर है, तो वह डर भी अब समाप्त होगा। आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, जिसके चलते आप हर कार्य को करने के लिए पर तैयार रहेंगे। किसी भी काम में आप पीछे नहीं हटेंगे, आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा रहेगी। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक जरूर करें। प्यारे दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप अपने कार्य को बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आज आप जो पहल करेंगे या नया कदम उठाएंगे, समय आने पर उसके अच्छे नतीजे भी आपको मिल सकते हैं। आपके लिए बेहतर यह रहेगा कि सोचे हुए काम करते जाएं, अपने महत्वपूर्ण कामों की लिस्ट बनाएं और उन पर ध्यान दें। खुद को किसी से कम ना समझे, जो आप सोचेंगे वह आसानी से करेंगे। कई महत्वपूर्ण मामले आज टल भी सकते हैं, लेकिन उससे आपको फायदा होगा। घर के बाहर के मामलों में आपकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ सकती हैं। पैसों का फायदा होने और कार्यक्षेत्र में कोई उपलब्धि मिलने का योग बन रहा है।
आज आप शांत मन से काम करेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। दूसरों की बात गंभीरता से सुने, कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सकती है। इस राशि के जो लोग प्लास्टिक के व्यापार से जुड़े हैं, आज उनकी किसी बड़े व्यापारी से साझेदारी हो सकती है। विवाहित के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। जीवन साथी से आपको सरप्राइज मिल सकता है। वाहन खरीदने का विचार हो सकता है। कोई नया विचार आपको आर्थिक तौर पर फायदा दिलाएगा। आप बच्चों के साथ कहीं घूमने के लिए जाएंगे। बिजनेसमैन पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे आने वाले अच्छे वक्त की ओर देखें। आपकी कोशिशें फलदायी रहेंगी। जीवन साथी की किसी बात को गंभीरता से न लेने पर विवाद हो सकता है। हो सकता है शाम तक किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं और लजीज खाने का लुत्फ भी उठाएं। सेहत आज फिट रहेगी। नए कार्यों का प्रारंभ कर सकेंगे। नए कार्य का प्रारंभ करने का भी आज के दिन उत्साह रहेगा। कोई नई शुभ समाचार आपके पास आने वाला है। जिस घर और परिवार का मनपसंद रहेगा, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें। देवों के देव महादेव आपके ऊपर मेहरबान हुआ है दोस्तों। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि एक देवता, एक शक्ति आपको छुप छुप कर संकेत दे रही है। वह संकेत क्या है और कौन कौन से बदलाव होगा, कौन सा गलती आपको नहीं करना है, आज हम आपको एक अनमोल रहस्य के बारे में बताएंगे जो भगवान भोलेनाथ द्वारा आपको संकेतों के रूप में दिया जा रहा है। यह संकेत आपके जीवन में अद्भुत बदलाव लाने वाले हैं और आपके भाग्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। भोलेनाथ, जो देवों के देव महादेव हैं, अपनी अद्भुत कृपा और चमत्कारिक शक्तियों से आपके जीवन को नई दिशा देने वाले हैं। अगर आप इस संदेश को ध्यान से सुनते हैं तो यकीन मानिए, आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को संकेत देने के लिए कई माध्यमों का उपयोग करते हैं। कभी सपनों के जरिए, कभी अचानक आने वाली सकारात्मक ऊर्जा के रूप में और कभी किसी विशेष घटना के माध्यम से। यदि आपने हाल ही में महसूस किया है कि आप हर दिन किसी न किसी प्रकार की प्रेरणा या समाधान पा रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से भोलेनाथ का संकेत है। भोलेनाथ चाहते हैं कि आप ध्यान दें कि जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वह उनकी कृपा का परिणाम है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संकेत कौन कौन से हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप शिवलिंग के पास अचानक फूल गिरते हुए देखें या पूजा करते समय दीपक की लौ एक खास तरीके से टिमटिमा रही हो, तो समझ लीजिए कि भोलेनाथ आपको यह संकेत दे रहे हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। इसके अलावा, यदि आप किसी संकट से जूझ रहे हैं और अचानक आपको उस समस्या का समाधान मिल जाता है, तो यह भोलेनाथ की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। चमत्कारों की बात करें तो भोलेनाथ अपने भक्तों के लिए असंभव को संभव कर देते हैं। अगर आप हाल ही में किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकले हैं, तो समझ जाइए कि भोलेनाथ ने आपके लिए अपना द्वार खोल दिया है। भोलेनाथ की कृपा से आपके करियर में नई ऊंचाई आएगी, धन की प्राप्ति होगी और परिवार में सुख शांति का वातावरण बनेगा। अगर आपने महसूस किया है कि आपके शत्रु अचानक शांत हो गए हैं या आपके कार्यों में बाधाएं खत्म हो रही हैं, तो यह भोलेनाथ की शक्ति का ही प्रमाण है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका ध्यान रखना जरूरी है। भोलेनाथ को सादगी पसंद है। यदि आप अहंकार या दिखावा करते हैं, तो उनकी कृपा आपसे दूर हो सकती है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आप हमेशा विनम्र रहें और दूसरों की सहायता करें। भोलेनाथ यह देखना चाहते हैं कि आप अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं या नहीं। अगर आप यह गलती करते हैं कि आप अपने लाभ के लिए दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, तो भोलेनाथ का आशीर्वाद आपसे छिन सकता है। अब बात करते हैं उन उपायों की जो आपको भोलेनाथ की कृपा को बनाए रखने के लिए करने चाहिए। सबसे पहले, सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके मन को शांति देगा, बल्कि आपकी ऊर्जा को भी सकारात्मक बनाएगा। इसके अलावा, कोशिश करें कि आप जरूरतमंदों की मदद करें और अपने कर्मों में शुद्धता लाएं। भोलेनाथ को बेलपत्र और धतूरा अर्पित करना भी उनकी कृपा प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपके जीवन में किसी तरह की नकारात्मकता आ रही है, तो भोलेनाथ के चमत्कारी महामृत्युंजय
मंत्र का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपको भय से मुक्ति दिलाएगा बल्कि आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा को भी दूर करेगा। याद रखें, भोलेनाथ हमेशा अपने भक्तों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी भक्ति में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी होगी। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में उन संकेतों को पहचानें और भोलेनाथ की कृपा का स्वागत करें। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपके आसपास की हर छोटी बड़ी घटना आपको कुछ सिखा रही है। ये संकेत आपको सही दिशा में ले जाने के लिए है, इसलिए कभी भी इन्हें नजरअंदाज न करें। अगर आप भोलेनाथ की कृपा से अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो नियमित रूप से उनकी पूजा करें, उनकी आराधना में समय बिताएं और अपनी प्रार्थनाओं में सच्चाई रखें। भोलेनाथ, जो सृष्टि के पालनहार और विनाश के अधिपति हैं, अपनी अनंत शक्ति और कृपा से आपके जीवन में संतुलन और शुभता लाने वाले हैं। अगले 24 घंटे उनके आशीर्वाद से भरे रहेंगे। और यह जानना जरूरी है कि आपके जीवन के कौन कौन से क्षेत्रों में यह आशीर्वाद असर डालेगा। भोलेनाथ की कृपा से सबसे पहले आपके मन में एक अजीब सी शांति का अनुभव होगा। यदि आप लंबे समय से किसी चिंता में उलझे हुए थे तो आप पाएंगे कि वह चिंता अचानक समाप्त हो गई है। आपके विचारों में स्पष्टता आएगी और आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। यह भोलेनाथ की उस कृपा का संकेत है जो आपके मस्तिष्क और हृदय को शांत कर रही है। ध्यान दें कि अगर आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे तो अगले 24 घंटे आपके लिए सही समय हो सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके धन के क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि लाएगा। यदि आप पिछले कुछ समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे तो आपको अचानक से ऐसे अवसर मिल सकते हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। यह अवसर किसी पुराने निवेश से लाभ के रूप में आ सकता है या किसी नई परियोजना के लिए प्रस्ताव के रूप में। ध्यान रखें कि भोलेनाथ की कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को पूरा करना होगा। किसी भी प्रकार के छल कपट से बचें, क्योंकि भोलेनाथ केवल उन्हीं को आशीर्वाद देते हैं जिनके कर्म पवित्र होते हैं। परिवार और रिश्तों के मामले में भी भोलेनाथ का आशीर्वाद अद्भुत चमत्कार करेगा। यदि आपके परिवार में लंबे समय से कोई मतभेद चल रहा था तो यह समय उसे सुलझाने का है। अगले 24 घंटे आपके रिश्तों में एक नई ऊर्जा और समझदारी लाएंगे। आप पाएंगे कि परिवार के सदस्य आपके विचारों और भावनाओं को समझने के लिए अधिक तैयार हैं। यह भोलेनाथ की उस शक्ति का परिणाम है जो आपके रिश्तों को सशक्त बना रही है। इस समय का उपयोग करें अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने और उन्हें यह बताने के लिए कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। स्वास्थ्य के मामले में भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके शरीर और मन को नई ऊर्जा से भर देगा। यदि आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे तो आप पाएंगे कि आपका स्वास्थ्य तेजी से सुधर रहा है। यह भोलेनाथ की कृपा है जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रही है। यदि आप शारीरिक या मानसिक थकान महसूस कर रहे थे तो अगला दिन आपके लिए राहत और ताजगी का समय होगा। ध्यान और योग का अभ्यास करें, क्योंकि यह आपके भीतर की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करेगा और भोलेनाथ की कृपा को और अधिक बढ़ाएगा। भोलेनाथ की कृपा आपके करियर और कार्यक्षेत्र में भी नए अवसर लेकर आएगी। यदि आप किसी प्रमोशन या नई नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे तो यह समय आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। आप पाएंगे कि आपके कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और समर्पण को सराहा जा रहा है। यदि आप किसी नई परियोजना की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय उस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए अनुकूल है। भोलेनाथ की कृपा से आपके रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। अब बात करते हैं उन सावधानियों की जो आपको भोलेनाथ के आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए बरतनी चाहिए। सबसे पहले अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी भी प्रकार के गुस्से या गलत शब्दों से बचें, क्योंकि यह आपकी ऊर्जा को नकारात्मक कर सकता है। अपने आसपास के लोगों के साथ मधुर व्यवहार करें और उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहें।
यह भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है और पूजा स्थल को स्वच्छ रखें। भोलेनाथ को स्वच्छता बहुत प्रिय है और यह आपके जीवन में सकारात्मकता लाने में मदद करेगा। अगले 24 घंटे के दौरान शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें, AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और यदि संभव हो तो रुद्राभिषेक करवाएं। यह आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता लाने का सबसे शक्तिशाली उपाय है। ध्यान रखें कि भोलेनाथ की कृपा को बनाए रखने के लिए आपको अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी होगी। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। दोस्तों, यदि आप भी भोलेनाथ की कृपा को अनुभव कर रहे हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें।